इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। इसी तेवर के साथ 138 दिनों बाद जब राहुल गांधी जी संसद में सरकार पर गरजे तो सरकार का गला सूख गया। उन्होंने सरकार से ऐसे सवाल पूछे कि पूरी सत्ता डर गई। राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर हिंसा में पीड़ित महिलाओं की दर्दनाक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने अपनों को खोया है। मणिपुर में स्थिति ये है कि लोग अपने साथ हुई ज्यादति की कहानी बताते बताते कांपने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। राहुल जी ने संसद में मणिपुर हिंसा की दर्दनाक सच्चाई बयां की। मोदी जी की डरी हुई सरकार को आईना दिखाया। जब ये सब हुआ तो मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या करने वाली बीजेपी के पास सदन में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वैसे भी वे क्या ही बोलते, सत्ता के अहंकार में मस्त मोदी जी और उनकी सरकार ने राज्य में हिंसा रोकने के लिए कुछ एक्शन लिया होता तो वे कुछ बोलते भी। वे तो बीते 3 महीने से आंख कान मुंह बंद किए हुए हैं। खुद को देश प्रेम का ठेकेदार बताने वाली मोदी सरकार और बीजेपी की राहुल गांधी जी ने पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बीजेपी के झूठ को पूरे देश के सामने आज उजागर कर दिया। भरी संसद में मोदी सरकार का देशद्रोही चेहरा पूरे देश के सामने रखा। जैसे रावण 2 लोगों मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। मणिपुर पर राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज बनकर मोदी सरकार को बोलने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी जी ने संसद में बोलते हुए ये साबित किया कि उन्हें जननायक क्यों कहा जाता है। मोदी सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान का कत्ल किया है, लेकिन अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा।